बैक टू माई चैनल। सो आज हमारा टॉपिक है चेक बाउंस, जो कि बहुत सारे लोगों का होता है या बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सो इसके बारे में मैं आपको एक आइडिया दूंगी कि अगर आपका कोई आपको चेक दे वो बाउंस हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। पहला हम बात करते हैं रीजंस ऑफ चेक बाउंस। रीजंस ऑफ चेक बाउंस आपके हैं, सबसे पहला इनसफिशिएंट फंड, मिसमैच ऑफ सिग्नेचर्स, आपका अगर डेट गलत है, ओवर राइटिंग है, इन रीजंस की वजह से आपके चेक बाउंस हो जाते हैं। सो चेक बाउंस होने के बाद आपको जो बैंक है, जिनका भी वो चेक है, वो आपको एक रिटर्न मेमो भेजते हैं कि वो चेक क्यों बाउंस हुआ। तो जिस भी दिन आपको वो रिटर्न मेमो मिलता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जिन भी आदमी ने चेक दिया उनको नोटिस भेजना पड़ता है कि आपने मुझे चेक दिया था, मैंने इसे जमा किया और इस कारण की वजह से आपके बैंक का रिटर्न मेमो है, ये आपका जो चेक है ये बाउंस हो गया है और आप मेरे को मेरी अमाउंट दीजिए। जिस भी दिन उनको नोटिस डिलीवर होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो आपको ना पैसे देते हैं या रिप्लाई नहीं करते हैं तो आप क्रिमिनल कोर्ट में जाकर एक केस या फिर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। बट बहुत ज़रूरी है, ये एक टाइम बाउंड केस है कि आप टाइम में एक्ट कीजिए। अगर आप टाइम, जो मैंने आपको 30 दिन 15 दिन ये जो लिमिट्स बताई हैं, अगर आप इसमें एक्ट नहीं करते हैं तो आपका जो रेमेडी है वो ख़त्म हो जाती है। जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, जो कि आपकी चेक बाउंस की बात करता है, आप इसमें फिर आगे कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आपको कोई चेक दे वो बाउंस हो, यू नीड टू एक्ट इन हेस्ट। गो कॉन्टैक्ट योर लॉयर, उन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए, उन्हें बोलिए कि मेरा चेक बाउंस हो गया है, टाइम पे नोटिस भेजा जाए। अगर आप टाइम पे सब कुछ हो जाए तो कई बार डिमांड नोटिस जो आप उन्हें देते हैं सामने वाली पार्टी को, वो उसके बाद ही आपको जो है पैसे लौटा देते हैं। एक डर भी रहता है कोर्ट में जाएगा मुकदमा इस तरह से, तो वो आपको लौटा देते हैं। बट अगर आप टाइम में एक्ट नहीं करोगे तो आपकी पूरी रेमेडी ही खत्म हो जाएगी। और किस कोर्ट में आप क्रिमिनल केस फाइल करोगे, जहां पर भी वो चेक प्रेजेंट होगा आप उस केस कोर्ट में जाकर वो क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करोगे। सो और दूसरी बात, अगर बाई चांस कभी गलती से आपने किसी को चेक दिया, वो बाउंस हो गया और ये सब, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास नोटिस आए, आपको सामने वाली पार्टी नोटिस दे, तो उसमें 15 दिन के अंदर अंदर जाकर आप वो अमाउंट जमा कर दीजिए, उनके नोटिस का रिप्लाई कर दीजिए, तो आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट या एक्शन नहीं लिया जाएगा। सो आई होप माई वीडियो ऑफ सम हेल्प टू यू, इट गेव यू सम काइंड ऑफ इंसाइट और इन्फॉर्मेशन एज हाउ यू नीड टू एक्ट वेन योर चेक गेट्स बाउंस्ड और डिसऑनर्ड, जो हम लीगल टर्म्स में कहते हैं। एंड फॉर मोर लीगल अपडेट्स फॉलो माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।